Dang 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 ding ding dang 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 ding ding dang dang. वेल हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों की जय जय और जय जय। इस बार कांग्रेस की जो नोटा के पीछे लोटा लेके पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि नोटा का ऑप्शन जिंदा रहे। अरे राहुल बाबा, क्यों एंग्री यंग मैन बने नोटा के पीछे पड़े हुए हो? तुम भी केजरीवाल की तरह इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए हो? आई मीन व्हाई? दोस्तों, आजकल हमारी कांग्रेस फुल्ली चार्ज है। उनका कहना है कि वो हर किसी से सिंह लड़ाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है। ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार तो रही नहीं, तो खाली टाइम में वो नोटा को निपटने में लगे हैं। उनका कहना है, नोटा जब से आया है उनको वोट का टोटा पड़ गया है। धीरे धीरे वो देश से ही निपटती जा रही है। तो क्या अब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़े? अरे कहीं तो जीने दो। बात भी ये सही है, हमारे बाबा को कुछ तो चाहिए कि वो खेल सकें, लेकिन ये सरकार है कि बच्चे को परेशान करती रहती है। अगर वो गुस्सा हो गए तो नानी के घर चले जाएंगे और वहां सरकार बनाएंगे। बनाएगा ना लल्ला? कांग्रेस के बाद एक और खबर, फिर कांग्रेस से तालियां। जी हां, इस बार गुजरात कांग्रेस के सभी एमएलए बेंगलुरु छुट्टियां मना रहे हैं, जिसकी स्पॉन्सर खुद कांग्रेस है। अरे भैया, ये बीजेपी भी क्या क्या करवाती है, पूरे विपक्ष को छुट्टियों पे जाने पे मजबूर करा देती है। तालियां। कांग्रेस एमएलए बेंगलुरु छुट्टियों पर थे, वजह कांग्रेस कल्चर। कोई भी परेशानी आए, हार हो जाए, तुरंत छुट्टी पर जाना, जैसे कि आला कमान करता है, वो विदेश जाते हैं। एमएलए वो भी गुजरात के और वो भी कांग्रेस के, गरीब बेचारों को नसीब हुआ वो भी बेंगलुरु। अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस को खतरा है बीजेपी से कि कहीं वो उनके एमएलए अपने में नाम मिला लें। अरे बच्चे हैं क्या जो कोई भी कान पकड़कर अपने में मिला लेगा? नीतीश जी की राह पर कोई भी चल सकता है, लेकिन कांग्रेस एमएलए की डिमांड कम से कम इटली का टूर पैकेज तो बनता है, क्योंकि बेंगलुरु का खाना खाने में मजा नहीं आता। कांग्रेस के बाद बात करेंगे हमारी आम औरतों की, क्योंकि उन्हें नहीं रास आ रहा है चोटी कटवा और हमारे हिंदी मीडियम के गुप्तचरों की माने तो ये दोनों काम वो टकले दोनों भाई रघु राजीव करा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हमारे नहीं तो हम किसी के भी साबुत नहीं छोड़ेंगे। तो आइए लोगों से करते हैं बात, उन्हें कितना आ रहा है चोटी कटवा रास। कौन काट रहे हैं चोटियां औरतों की, बच्चों के चोटियां कट रही हैं? ये तो हमको नहीं पता है। तुम्हारी चोटी है? हमारी चोटी नहीं है। तुम्हारे तो बाल भी उड़ गए। हाँ, अच्छा, जो औरतें चोटियां काट रही हैं, सुना औरतों की चोटियां कट रही हैं, खबर आ रही है, रात को सोते हुए हैं सबकी चोटियां कट रही हैं, और चोटी तुम्ही तो नहीं काट रहे हो? नहीं। फिर मुझे पता नहीं है। तुम भुट्टे ही काट रहे हो? देखिए भैया, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम हमेशा गुड थिंग्स ही परोसते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गलत चीज देते हैं, तो इसलिए देखते रहिए हमारा शो हिंदी मीडियम। आपने पीछे चोटी बांध रखी है, आपको वो डर तो नहीं है चोटी काट के ले जाए कोई? आजकल चल रहा है जी, अभी हम खुद मारे पड़े तो चोटी का क्या डर होगा? कोई काट के ले जाए कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। रात को आएगा चोर, देख रहा भाई चोटी और यहाँ लटका देगा, ऐसे देखो। वो मारेगा तो उसे भी हम मारे ही देंगे। अच्छा जी, अरे मैम एक बात बताइए, चोटी काटने वाला घूम रहा है कहीं, आपको उसका डर तो नहीं है? अरे आप बताओ तो। अरे मैम एक्सक्यूज मी, आप ये बताएंगे चोटी काटने वाला घूम रहा है, आप खुले बाल लेके घूम रहे हो, डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। ऐसा क्या खाली है जो डर नहीं लग रहा है? इतनी चोटियां कट रही है। मैं एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं उस बारे में, मतलब अभी तो मैंने न्यूज़ सुना कि हाँ, अब एक लड़की जो खुद ऐसा भी, मतलब she was doing willingly कि मेरी चोटी कट गई है, ऐसा कुछ तो। अच्छा, बस यही पढ़ा है। बात ये हो रही है चोटी काटने वाला है कोई घूम रहा है गैंग, और आप खुले बाल करके घूम रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल हूँ। आप साथ ही हो रही है इसलिए डर नहीं है? डर नहीं। और आप अलग हुए पता लगा चोटी काट के लिए कोई? कट रही है भाई,
लगा तो भाई दाढ़ी ना काट ले कोई, लोकल लूंगा भी। अरे हम भी लोकल हैं, एसटीडी थोड़े हैं। हाँ तो लोकल में इधर पता है मुझे कौन दाढ़ी काट रहा है और कौन ट्रंक। अब भाई छोटे हो, नाच पीटे देख ले, आज आके दिखाता हूँ तेरे को। देख दीपू मेरी फोटो ले रही है। हाँ बहुत बोलता दीपू तेरी है, दीपू सिर्फ मेरी है, मेरी। हाँ दीपू एक मिनट रुको, सेल्फी लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अरे वो दीपू वो पिगी पिगी वाला मुंह बनाओ। ऐसे ठीक है, थैंक यू। देख लिया छोटे, हैं देखा। और दीपू ये ना जरा बाल बाल अपने सही करके रखो, यहाँ चोटी काटने वाले घूम रहे हैं, सही बता रहा हूँ तुम्हें, सुरक्षित रहो। तो भाई और उनके बहनों, ये था इस हफ्ते का हिंदी मीडियम। और आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं सोनू वाले उस गाने के साथ जो हमने आपको पिछले हफ्ते भी दिखाया था, लेकिन इन नाचपीटों ने पाकिस्तानियों ने उसे भी कॉपी कर लिया। वेल हम है ही हिंदी मीडियम वाले, इतने फेमस की लोग हमें कॉपी करते हैं। खैर आप देखिए नाचपीटों की वो हरकत। हमें आप पे भरोसा, सही था। आपका मुद्दा भी देखो फिर वही था। पीछे बंदा भी आपके कई था। अपने पीएम का पेट हुआ गोल। इम्मू यहाँ सारे बोले मीठे बोल। इम्मू हमें आप पे भरोसा, सही था। इम्मू धरने में कर ली आपने प्रैक्टिस। स्लोली डाले फिर आपने मैट्रिस पे शेर हुआ गोल। इम्मू यहाँ सारे बोले मीठे बोल। इम्मू हमें आप पे भरोसा, सही था। अपनी मेहनत पे आप फिर अड़ गए। पनामा से देखो सारे गड़ गए। अदालत में केस हुआ गोल। इम्मू यहाँ सारे बोले मीठे बोल। इम्मू हमें आप पे भरोसा, सही था।